कि आप स्कूटी पर जब किसी के पीछे बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना कंफर्टेबल फील करती हैं? मैं अपने कॉस्ट्यूम के हिसाब से बैठना पसंद करती हूँ। आप जब स्कूटी पे पीछे बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल, किस पोजीशन में फील करती हैं? मैम ऐसा है कि एक साइड में जब बैठती हूँ तो ऐसे लगता है कि मतलब गिर ना पड़ूँ, या झटका लगता है तो ऐसे लगता है मैं पीछे ही मतलब गिर जाऊँगी। दोनों तरफ बैठती हूँ तो लगता है हाँ कंफर्टेबल हूँ और अच्छा भी मतलब ठीक लगता है। आप स्कूटी में पीछे तो बैठते ही होंगे। हाँ जी हाँ। तो आप किस तरीके से बैठना कंफर्टेबल लगता है आपको? बोथ साइड पैर करके। आप स्कूटी चलाती हैं और पीछे भी बैठती हैं? जी। तो जब आप पीछे बैठती हैं तो आप किस साइड, किस पोजीशन में बैठना पसंद करती हैं? दोनों साइड पैर करके या फिर साइड पैर करके? आपको कैसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है? एक साइड दोनों पैर करके। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब स्कूटी पे बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना कंफर्टेबल फील करती हैं? आप दोनों सिचुएशन में डिपेंड करता है कि हमने क्या वेयर किया हुआ है। सूट पहनो तो वैसे बैठ जाओ और जीन्स पहनो तो क्रॉस लेग करके बैठ जाओ। लकीर के फकीर होने की कहावत आपने सुनी होगी, मतलब कभी कोई बात या घटना के पीछे ऐसे चलते जाना जिसका बाद में महत्व भी नहीं रह जाता। अक्सर ये देखने में आता है कि वक्त की जरूरत रही कोई गतिविधि परंपरा की तरह आज तक ढोई जा रही है। दिलो दिमाग में इन परंपराओं की जगह ऐसे बन जाती है जैसे ये धार्मिक और सामाजिक संस्कार हो, और इसके उलट कोई कुछ कर रहा है तो वह कुसंस्कार है। नमस्कार, मैं कृति। आधी दुनिया का पूरा किस्सा के पहले एपिसोड में हम एक खास मामले से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो महिलाओं से जुड़ा मसला है और उनकी अपनी राय है, कई पीढ़ियों की राय में फर्क भी है। हम अक्सर ही देखते हैं कि हमारे देश की महिलाएं दोपहिया वाहन पर दशकों से एक तरफ पैर करके ही बैठती हैं। कई पुरानी महिलाएं चालक को कस के पकड़ के रखती हैं और वाहन को भी जकड़ के रखती हैं जिससे गिर ना जाएं। कुछ को बैलेंस बनाकर बैठने का हुनर आ भी गया है, वो इस तरह बैठ सकती हैं। इस मामले पर गौर करें तो अंदाजा यही लगाया जाता है कि सबसे पहले महिलाओं ने साइकिल कैरियर पर बैठना शुरू किया होगा, ऐसे क्योंकि पहले के समय में आम पहनावा साड़ी ही थी। उस समय भी उनको परेशानी तो हुई ही होगी, लेकिन साइकिल की स्पीड इतनी नहीं होती थी कि गिरने पर गंभीर चोट आए। तब सड़कें भी आमतौर पर कच्ची ही थी, फिर सड़कें भी पक्की हो गईं और दोपहिया वाहनों का चलन शुरू हो गया। लेकिन औरतों के बैठने का सिस्टम वही रहा, क्योंकि साड़ी या बुरखे में इस तरह बैठा जा सकता है। बैठने का यह तरीका परंपरा बनता गया और संस्कार भी। कभी साड़ी या बुरखा पहने महिला अगर दोनों ओर पैर करके बैठी दिख जाए तो वह लोग भला नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि अक्सर जीन्स या सलवार सूट पहनने वाली महिलाएं भी एक ही तरफ पैर करके वाहनों पर बैठी दिखाई देती हैं। इसमें कभी कभार कुछ बदलाव इस तरह भी दिखेंगे कि पहचान वाली जगह है तो एक तरफ पैर करके बैठ जाओ और वैसे दोनों तरफ पैर करके। पति या बहन के साथ हैं तो दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ, या किसी और के साथ हैं तो एक तरफ पैर करके। मायके जा रहे हैं तो दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ और ससुराल की ओर एक तरफ पैर करके। हालांकि बिल्कुल नई पीढ़ी के पहनावे के बदलाव के साथ साथ बैठने के तौर तरीके में भी बदलाव आया है, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि यातायात नियमों को लेकर इतनी सजगता के बावजूद यह आज तक क्यों नहीं सोचा गया कि असुरक्षित तरीके से बैठने से कोई गिर सकता है तो क्या किया जाना चाहिए? अगर ऐसे ही बैठना है तो पीठ के पीछे बैठने का कोई ऐसा तरीका भी तो हो सकता है कि पीछे बैठने वाला ना गिरे। इसमें ना तो यातायात और परिवहन विभाग ने कभी दिलचस्पी ली और ना ही वाहन निर्माताओं ने। इस मामले में कुछ महिलाओं से हमने जो बातचीत की है उसे भी सुनिए। हम कृष्णा जी से ये जानेंगे कि वे दोनों साइड पैर करके बैठना ज्यादा सेफ फील करती हैं या फिर एक साइड पर। तो आप हमें बताइए आपको कैसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है? एक साइड दोनों पैर करके। तो आप एक साइड पैर करके ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो ऐसा आप कब से बैठ रही हैं, मतलब किसके साथ? पापा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, कब से ये चलता? हम जब बड़े हुए छोटे से तो पापा के साथ बैठे, भाई के साथ, फिर हस्बैंड के साथ, मतलब बैठते एक ही साइड है। तो किसी का देखा था आपने, किसी ने आपको बताया था कि नहीं एक ही साइड पैर करके बैठना, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बताया किसी ने नहीं, हम अपने आप ही बैठते हैं। तो आपको अनकंफर्टेबल फील, आपको डर नहीं लगता है कि आप एक साइड पैर करके बैठी हैं तो आप गिर जाएंगी या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं गिरते नहीं है, आदत में आ गया है बैठना। जैसे यातायात के नियमों के तहत हमने ये भी सुना है कि जो बाइक पे या स्कूटी पे चल रहे हैं उनमें दोनों के लिए हेलमेट लगाना कंपलसरी है। तो अगर हम एक साइड पैर करके बैठे हैं तो शायद हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे हेलमेट लगाना। तो आप जब स्कूटी पे बैठती हैं तो आप भी हेलमेट लगा के बैठती? नहीं, हेलमेट नहीं लगाते हैं अभी। आप हेलमेट नहीं हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन इससे हादसे जो भी होते हैं उनकी थोड़ी सी वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हादसों का होना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक साइड पैर करके बैठना, आप स्लिप हो जाओगे। दोनों साइड पैर करके बैठने में ये रहता है कि आप कंफर्टेबल हो, आप गिर नहीं सकते।
लेकिन हम तो एक साइड में ही कंफर्टेबल हैं। आप एक ही साइड में कंफर्टेबल हैं, आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, कभी ट्राई नहीं करा ना बैठे। तो अभी अगर आपको कोई बोले कि आप दोनों साइड पैर करके बैठ जाओ तो आप नहीं बैठ पाओगे? नहीं, बैठना चाहेंगे तो बैठ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बैठते दोनों पैर एक साथ। पहले से प्रथा चली आ रही है एक, उस प्रथा के तहत, उस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए जैसे पहले के लोग साड़ी पहनते थे तो इसलिए वो लोग शायद एक साइड पैर करके बैठते थे, लेकिन अब तो सब सूट भी पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, तो उसमें तो हम आसानी से दोनों साइड पैर करके बैठ कर सकते हैं, लेकिन आदत में नहीं है ना। बच्चे बैठ रहे हैं आजकल के जींस वाले, वैसे हम लोग साड़ी भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं। सूट में भी आप एक ही साइड पैर करके बैठना? एक ही साइड। तो आपको ये नहीं लगता कि आप गिर जाएंगी या ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से बैठते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम है पलक श्रीवास्तव। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप स्कूटी पर जब किसी के पीछे बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना कंफर्टेबल फील करती हैं? मैम मैं अपने कॉस्ट्यूम के हिसाब से बैठना पसंद करती हूँ। मैं जीन्स पहनी हूँ अगर तो डबल लेग करके, और कुर्ती अलग ही पहनी हूँ, सूट पहनी हूँ तो सिंगल तरफ। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लेडीज़ जो हैं वो और गर्ल्स भी मोस्टली प्रेफर करती हैं कि एक साइड पैर करके ही बैठें, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कंफर्टेबल रहती होंगी वैसे, इसलिए सोचती हैं कि एक साइड पैर करके बैठें। नहीं तो जैसे ही रहता ना कि अगर हम एक साइड ही पैर करके बैठे तो थोड़ा हमारा गिरने का चांसेस रहते हैं, वो अपने ऊपर होता है, हम बैलेंस कितना अच्छा बना पाते हैं। जितना आगे चलाने वाला बैलेंस बनाता है उतना ही बैठने वाले को भी बैलेंस देखना होता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम महिमा है। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब स्कूटी पे बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना कंफर्टेबल फील करती हैं? आप दोनों साइड पैर करके बैठती हैं, एक साइड पैर करके बैठती हैं? दोनों सिचुएशन में डिपेंड करता है कि हमने क्या वेयर किया हुआ है। सूट पहनो तो वैसे बैठ जाओ, और जीन्स पहनो तो क्रॉस लेग करके बैठ जाओ। तो आप हमेशा से ही यही प्रेफर करती हैं कि आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो और हेलमेट का, आप जैसे आप डबल सीट में बैठी हैं तो आप हेलमेट वेयर करती हैं? मैम हेलमेट वेयर करना चाहिए, लेकिन वही चीज़ है, हम ड्राइव करते हैं तो हम कर लेते हैं, और अगर पीछे इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते, वैसे करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी के लिए हमारे लिए हेलमेट भी बहुत ज़रूरी है। मैम हेलमेट ज़रूरी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो लेडीज़ जो हैं जो वेयर करती हैं साड़ी या जीन्स कुछ भी, वो एक ही साइड पैर करके बैठती हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैम देखिए, बैठना सिर्फ कंफर्ट के ऊपर होता है, दोनों साइड पैर करके बैठना में कोई बुराई नहीं है। अगर आप वैसे ड्रेस पहने हो, जीन्स पहने हो या ट्राउज़र पहने हो तो दोनों साइड पैर करके बैठ सकते हो, और साड़ी में तो दोनों साइड बैठ ही नहीं सकते। तो थोड़ा हम एक साइड पैर करके बैठते तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की होता है कि हम गिर ना जाए, क्योंकि आगे वाले को बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, बस ड्राइव करने वाला सही होना चाहिए, सेफ चलाए, कोई इशू नहीं है। आप स्कूटी चलाते हैं? यस मैम। आप जब आपके पीछे कोई बैठे जैसे बैठता है तो आप उसको क्या मतलब कंसीडर करेंगी कि वो दोनों साइड पैर करके बैठे या एक साइड पैर करके? बैठने में थोड़ा बैलेंस तो लगता है, एक साइड पड़ता है, लेकिन अब बैठने वाले के ऊपर भी ना, साड़ी में मैम दोनों तरफ पैर करके तो नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि अगर हम एक साइड पैर करके बैठ रहे हैं तो हम हेलमेट नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं होगा कि हम हेलमेट पहने हैं उसके लिए। उसके लिए अगर हम दोनों साइड पैर करके बैठ रहे हैं तो हेलमेट हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल। हाँ, और अगर डिसबैलेंस होता है तो उससे खतरा भी बहुत होता है गिरने का या चोट लगने का। बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, दोनों टू साइड पैर करके बैठना सेफ तो है, लेकिन बस थोड़ा सा ही हो जाता है कि हम सूट में बैठ सकते हैं लेकिन साड़ी में बैठ नहीं सकते, बस ये प्रॉब्लम है। आप जब स्कूटी पे पीछे बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल, किस पोजीशन में फील करती हैं? मैम ऐसा है कि एक साइड में जब बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब गिर ना पड़ूँ, या झटका लगता है तो ऐसा लगता है मैं पीछे ही मतलब गिर जाऊँगी। दोनों तरफ बैठती हूँ तो लगता है हाँ कंफर्टेबल हूँ, और अच्छा भी मतलब ठीक लगता है, बाकी प्रॉब्लम नहीं होती इतनी दोनों साइड बैठने में। जब एक साइड बैठती हूँ तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आप हेलमेट का यूज़ करती हैं? हेलमेट जी हमेशा यूज़ करती हूँ। हाँ हेलमेट बहुत रेयर केस में नहीं, मतलब ज़्यादा फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, अगर ज़्यादा दूर जा रही हूँ तो हेलमेट ला के जाती हूँ। तो आपको हेलमेट के, जैसे बोलते हैं हेलमेट के साथ एक सेफ्टी रहती है, तो आप जब पीछे बैठती हैं तब भी आप हेलमेट लगाती हैं? नहीं मैम तब नहीं लगाती, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिवा में एक ही हेलमेट होता है। नहीं जैसे अभी कानून भी पास हुआ था कि जो पीछे बैठ रहा है डबल सीट में है उसके लिए भी हेलमेट लगाना कंपलसरी है, पर अभी तक मैंने नहीं लगाया। नहीं आपको उस चीज़ में सेफ्टी रहती है ना कि अगर आप पीछे बैठे हो तो हेलमेट लगाइए? बिल्कुल होना चाहिए लगा, और अगर गिर भी जाओ तब भी। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने हेलमेट लगा रखा था तो मैं गिरी थी, बहुत चोट लगी थी, अब मैं हेलमेट लगा के ही निकलती हूँ। तो जब आप पीछे बैठती है तो भी हेलमेट लगा के ही निकलती हैं? नहीं अभी तक नहीं लगाया, पर हाँ अब आप कह रहे हैं तो मैं लगाना चालू कर दूंगी। बिल्कुल लगाया करिए हेलमेट। आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगी हेलमेट को लेकर और पीछे बैठने को लेकर, किस तरीके से बैठना ज़्यादा सेफ है? आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो आप तो वैसे बैठें, वैसे दोनों तरफ पैर करके ज़्यादा सेफ है,
और हेलमेट लगाएं, जरूर लगाएं, वो आप दूसरे के लिए नहीं अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं और आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो आपकी फैमिली को नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोनों तरफ मतलब दोनों रूल्स फॉलो कीजिए कि आप दो बैठ रहे हैं तो भी दोनों लोग हेलमेट लगाएं, और अगर एक नहीं भी लगा रहे तो उसको भी बोलेंगे आप भी लगाइए। आपका नाम? प्रेरणा अग्रवाल। जब आप स्कूटी चलाते हो तो आप किस तरीके से बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो? दोनों साइड पैर करके। और हेलमेट आप लगाते हो? पीछे जब बैठते हो। हाँ, कभी कभी लगाते हो, कभी कभी जब हाईवे रोड की साइड हम लोग जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर हम स्ट्रीट वगैरह में घूमते हैं फिर तो हम नहीं लगाते हैं, अगर हाईवे वगैरह पे जाना होता है तो दोनों लगाते हैं। मतलब आप शुरुआत से हमेशा से ही दोनों साइड पैर करके बैठते हो, या फिर अगर कभी ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहनते हैं या किसी फंक्शन वगैरह जाना होता है उस डे से हम लोग सिंगल पैर करके बैठते हैं, वैसे दोनों साइड करके। हम आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरीके से कंफर्टेबल फील करते हैं? दोनों साइड पैर करके। अगर आपने कुछ लहंगा टाइप का पहना हुआ है तब तो सिंगल ही बैठ। उसमें डर नहीं लगता आपको? नहीं, गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, करके बैठते हैं ना। आपका नाम? सीमा। आप स्कूटी पे जब बैठती हैं तो आप किस तरीके से बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आपको? मतलब वैसे तो कैसे भी बैठ सकते हैं, मतलब दोनों तरफ पैर करने से बैठने से सेफ्टी रहती है। दोनों तरफ पैर कर, तो बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एक साइड जब आप पैर करके बैठ रही हैं तो बच्चे को किस तरीके से संभाल पाती हैं? वो तो बीच में बिठाते हैं, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपको? आप हेलमेट लगाती हैं? ठीक। पीछे बैठ के हेलमेट नहीं तो आपको डर नहीं लगता है? मतलब एक चीज़ होती है ना कि सेफ्टी होती है, कि हमारे साथ पे अगर हेलमेट लगा हुआ है तो हम अगर थोड़ा सा कुछ होगा तो हम थोड़े तो बच जाएंगे। हाँ, वो तो है, मतलब हेलमेट इसीलिए लगा रहे हैं हम लोग की, मतलब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वो अब देखो कितना एक्सीडेंट वगैरह चल रहे हैं, हेलमेट होगा तो सेफ्टी रहेगी हमारी। तो आप फिर आप क्यों नहीं लगाती हैं हेलमेट? अभी तो लोग ऐसे ही आए हैं, मतलब बाहर तो नहीं लगाया, मतलब कैंट वगैरह हम जाते हैं तब लगाते हैं। आपका नाम? मेरा हिमांशी। आप स्कूटी में पीछे तो बैठते ही हो? हाँ जी। हाँ, तो आप किस तरीके से बैठना कंफर्टेबल लगता है आपको? बोथ साइड पैर करके। बोथ साइड पैर करके। तो जब आप जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर रोड पे हैं और आपको कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, आपको किसी से लिफ्ट लेनी पड़ जाए कभी स्कूटी पे या बाइक पे, तो आप किस तरीके से बैठेंगे उसके साथ? बोथ साइड पैर करके। अगर मैं अभी जान पहचान का कोई मिलेगा तो, और अगर कोई अनजान है आपको लिफ्ट लेना पड़ जाए, नहीं फिर बैठेंगे ही नहीं, ये नहीं वहीं वेट करते रहेंगे। हाँ, वेट कर लेंगे और क्या, और आप फोन वगैरह करके किसी को बुला लेंगे या तो, मतलब सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। हाँ, यस। आप स्कूटी चलाती हैं और पीछे भी बैठती हैं? जी। तो जब आप पीछे बैठती हैं तो आप किस साइड, किस पोजीशन में बैठना पसंद करती हैं? दोनों साइड पैर करके या फिर साइड पैर करके? अगर जैसे आपने कभी कुछ ऐसा ट्रेडिशनल टाइप का पहना हुआ है? मैं मोस्टली पहनती नहीं हूँ ट्रेडिशनल टाइप, तो मैं दोनों साइड पैर करके बैठती हूँ। दोनों साइड पैर करके बैठती हूँ। तो हेलमेट आप? हाँ, हेलमेट का यूज़ करती हूँ। आप पीछे बैठती हैं तो भी हेलमेट लगा? नहीं, पीछे तो नहीं इतना प्रेफर करती हूँ, बट हाँ ड्राइविंग सीट पर करते हूँ। तो आपको दोनों साइड पैर करके बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है? जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आपको किसी से लिफ्ट लेनी पड़ जाए कभी, और वो नोन नहीं हो के वो अननोन है, तो आप किस तरीके से बैठना ज़्यादा? जिस चीज़ में कंफर्ट लगता है मैं दोनों तरफ करके ही कंफर्ट में रहती हूँ, तो मैं उसी साइड में ही बैठूंगी। जिस चीज़ में आपकी सिक्योरिटी भी एक चीज़ आती है कि आप अगर किसी अननोन के साथ दोनों साइड पैर करके बैठी हैं तो एक कुछ अनकंफर्टेबल सा? हाँ, ये तो है थोड़ा सा, किसी के अननोन के साथ पहली बार मैं प्रेफर नहीं करूँगी बैठना, बट अगर बैठूंगी हाँ थोड़ा सा इनसिक्योर मुझे लगेगा, बट मैं थोड़ा सा गैप बना के ही बैठूंगी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है, और ई रिक्शा वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा गंदा चलाते हैं, कहीं भी कैसे भी चलाते हैं वो लोग तो। आपका नाम? मीनाक्षी मित्तल। आप स्कूटी पे बैठती हैं तो आपको किस तरीके से बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, एक साइड पैर करके या दोनों साइड? वो तो ड्रेस पे मतलब डिपेंड करता है कि अगर हमने जीन्स वगैरह कुछ पहना है तो वो दोनों तरफ पैर करके सही लगता है, और साड़ी है या कुछ तो एक साइड में। जीन्स वगैरह भी वेयर करते? हाँ, पहन लेते हैं। तो आप दोनों साइड पैर करके भी बैठ सकते हैं? आपका हेलमेट वगैरह, हेलमेट लगाती हैं पीछे बैठ के? कभी कभी लगा लेते हैं, कभी कभी भूल भी जाता है। ट्रैफिक रूल्स को लेकर आप कितना फॉलो करती हैं क्या? हाँ, ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करते हैं पूरा, रेड लाइट ग्रीन लाइट पूरा प्रॉपर। ट्रैफिक रूल्स में ही इंक्लूड है हमारा ये हेलमेट वाला सेगमेंट जो है, तो उसके बारे में आप हेलमेट पीछे बैठ के नहीं लगाती हैं। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं लगाना चाहिए, वैसे लगाना चाहिए, हो सकता कभी कभी हो जाता है, जैसे कभी जल्दी निकलना है या क्या है तो हो जाता है। तो वैसे सेफ्टी के पर्पज से हेलमेट, हेलमेट बिल्कुल मस्ट है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए क्या बोलते हैं? जागरूक करने के लिए तो ये बोलना है कि हेलमेट सबको लगाना चाहिए। मैं तो ये दिन अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, जब जाता है बाहर पहले हेलमेट लगाओ।
हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इसके अगले एपिसोड के लिए हमें सुझाव दीजिए। जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही नए किस्से के साथ जो आधी दुनिया यानी महिलाओं के बीच का होगा।